Hey guys, welcome back to GP Mortgage Vlogs और हमारा चल रहा है धर्मशाला का डे टू और कमरे से चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। पैकिंग कर रहे हैं हम सब, जल्दी जल्दी फोन आ चुका है कि जल्दी निकलो यहाँ से। अब हम जा रहे हैं बागसुनाथ में, हमारा होटल है और यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है यहाँ का वाटरफॉल, और बस वाटरफॉल जाएंगे, वाटरफॉल में एंजॉय करेंगे पर वाटरफॉल के अंदर नहीं जाएंगे। भाई ठंड बहुत हो चुकी है, आप सोच रहे हो कि भाई तूने इतनी जैकेट क्यों डाली, इतना मौसम नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा मौसम हुआ पड़ा है कि आप टी शर्ट में भी घूम लो और इसमें भी घूम लो। सॉल रेट पर देखो भैया, वो स्वेटर में जा रहे बंदे, टी शर्ट में भी हैं, कोई फुल स्लीव में भी है, कोई स्वेट शर्ट में भी है। सो अच्छा मौसम होगा, इट्स लुक एट द वेदर सो गुड, मज़ा ही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले वो वाला सारा एरिया क्लाउड से कवर अप हुआ पड़ा था, सारे क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे वहाँ पे। और वैसे मैं अपनी इंट्रो कराना भूल गया, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और पहली बार हमारा ये व्लॉग देख रहे हैं तो धर्मशाला पार्ट वन व्लॉग ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को GVP मॉडगिल व्लॉग्स। और अभी तो चैनल शुरू ही हुआ, अभी तो वीडियो शुरू ही हुई है, सो आगे देखते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं बागसुनाथ वाटरफॉल की तरफ और यहाँ से बहुत ही पास है, वैसे वॉकिंग डिस्टेंस है 200 मीटर्स का और हम पहुँचेंगे बस वॉक करते करते बागसुनाथ वाटरफॉल। ये भाई भी अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, आप बूमरैंग बना रहा हूँ, बूमरैंग बना रहे हैं और आई मीन जस्ट लुक एट द व्यू। और आज सैटरडे नाइट है, रश काफी ज्यादा बढ़ रहा है, रूम्स भी नहीं मिल रहे हैं। अभी दो तीन होटल पीछे रह गया, उसे पूछना था, बाद में पूछते हैं। फिर दो तीन होटल्स फोन किए हैं और उस हिसाब से देखते हैं रूम मिलता है क्या। भाई फ्री प्रमोशन नहीं करनी। ये यहाँ का वाटरफॉल है, काफ़ी पुरानी प्लेस है यहाँ की। लेट मी जस्ट शो यू द व्यू, ये कितना ऑसम है। जहाँ से वो पानी निकलता है उस पॉइंट तक जाना है, वो वाले पॉइंट पे। सो अर्लियर जो आपको मंदिर वाला एरिया दिखाया, दैट वाज द मंदिर एरिया, वो और काफ़ी एंशियंट मंदिर है वहाँ का। और अब हम शुरू कर दी हमने बागसुनाथ वाटरफॉल की छोटी सी मिनी ट्रैक एंड रिव्यू इज अमेजिंग। मतलब जो कैमरा देख पा रहा है ना, वो मतलब 1/10 भी नहीं है जो आई कैप्चर कर पा रही है, तो सो कैमरा तो कर ही नहीं पा रहा जस्टिस। और हमने ये फैक्ट कंसिडर नहीं किया कि बहुत ऊपर जाना पड़ेगा और ट्रैक भाई वो वहाँ जा रहा है वो पॉइंट तक, तो जूम भी नहीं चल रहा है जिस पॉइंट पे जाना है और लोग जा ही जा रहे हैं। तो भाई अपना ट्रैक शुरू करें फिर। भाई बड़ा सही व्यू है यार, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। स्टार्टेड रेनिंग और भाई गीले होंगे अच्छे वाले, और अभी हाफ डिस्टेंस भी नहीं कवर हुआ और लोग छाँव में जा रहे हैं और हमें समझ गया हम कहाँ जाए। अभी ऊपर जाएंगे सीधा, सीधा ऊपर ही मिलते हैं।
हम जब भी घर वालों के साथ आते थे ना तो ये स्पॉट हमेशा मिस कर जाते थे एंड वी ऑलवेज यूज टू से कि भाई ये व्यू है कि भाई शिवा कैफे नहीं गए, शिवा कैफे नहीं गए, घर वालों अब अच्छे और नहीं आए इतने से कैफे के लिए ना ऐसे व्यू ऑल दो व्यू इज गुड बट बस करा भाई बहुत ऊपर है मजा है यार मेरे को तो मजा है मतलब वीडियो शॉट करते हैं भाई मैं गलत तुझे ये डाल के आया बड़ी वीडियो मैं गलत तू जो आ गया भाई मैं ट्रैकिंग के लिए नहीं बना अब बड़ी मुश्किल से आए ऊपर दो घंटे आराम से बैठूंगा फिर नीचे जाऊंगा उससे पहले नीचे जाने वाला पहले खा लें कुछ चलो खाते हैं वी आर डन विद द कैफे बहुत ही मतलब ना मजेदार खाना था और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा फूड होगा बट ऐसा फूड खाने के लिए जितना चलना पड़ा है ओ माय गॉड भाई मतलब हाँ जो खाना खा के निकले थे खाया तो वैसे कुछ भी नहीं था भाई पहले सुबह से तो कुछ नहीं खाया था सीधा ही हमने ट्रैक शुरू कर दिया था वाटरफॉल के लिए और हम वाटरफॉल सीधा मजेदार ट्रैक था वाटरफॉल हम सीधा नहीं गए हम सीधा आए शिवा कैफे कि हमें था कि कुछ खा पी ले पर हमें ये नहीं पता था कि ये इतना हाइट पे होगा अभी भी देखो हम ऐसे पॉइंट पे हैं कि जहाँ से बिल्कुल आगे का कुछ नहीं दिख रहा जब सुबह आ रहे थे तो सारा कुछ क्लियरली विजिबल था भाई अब तो मौसम ही मैं कहता हूँ मतलब जस्ट लुक एट द वेदर पूरी हो गया नहीं राइस कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई इट इज सो अमेजिंग राइट नाउ चारों तरफ कोरा ही कोरा कोरा ही कोरा और हमारे साथ है ट्रैकिंग एक्सपर्ट राघव अभी ना मेरा सारा ध्यान ट्रैकिंग पे तो अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा तो एक बार नीचे एक बार नीचे पहुंच जाओ खतरनाक है क्योंकि नहीं तो वहां जाएंगे सीधा मिलते हैं फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन रूम में हम अपने पहुंच चुके हैं और भाई बस सो चुकी थी बिकॉज चढ़ाई भी बहुत मुश्किल थी और उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था और रास्ते में इतनी बारिश हुई कि बता नहीं सकता काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और अब हम फाइनली रूम में आ चुके हैं राघव जी भी रिसेंटली पौड़ियों से गिरे हैं और अच्छी इन्होंने अपनी गेम फटवाई है और वैभव जी काम में व्यस्त हैं अपने भाई मतलब बस सो अभी बस हुई पड़ी है चला बिल्कुल नहीं जाना है और आई होप अब ऑटो मिल जाए ठीक है ना ऑटो मिल जाएगा फिर हम ठंड है ना और कपड़े हम लाए नहीं है ये मैं नहीं लाया ये भाई नहीं लाया ये भाई ठीक है अभी यही वेट है कि ऑटो मिल जाए और ऑटो में बैठ के सीधा पहुंच जाए क्योंकि चलने वाली हालात नहीं है चलो ऑटो मिलता तो ऑटो में मिल के आपको दिखाता हूँ बाकी आप देखिए माहौल आज पूरा आपा हम लोग गड्डी थले देने लगा ही सो फाइनली ऑटो की जगह कार मिल चुकी है और बड़े आराम से हम पहुंच जाएंगे और राघव भाई की हो चुकी थी बस पेन हो रही थी तो मेरे को था कि यार चलना ना पड़े भगवान ने सुन ली है चलो देखो आगे क्या होता है बस अब आराम से बैठे आराम से पहुंच जाएंगे और जब सीन ये है कि जो डिनर वाला स्पॉट है लास्ट हमने लास्ट व्लॉग में मैकलो में डिनर किया था और अभी डिसाइडेड नहीं है कि कहां डिनर बट वहां पे नहीं जाना हां वहां नहीं जाना उन्होंने सॉफ्ट नहीं दी कॉम्प्लीमेंट्री और उन्होंने कहा कि अनियन के भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे तो मन उठ गया यार सॉफ्ट नहीं दी उन लोगों ने तो मैकलो भाई उन्होंने इंडियंस का फ्री की सॉफ्ट ना हो तो फिर हो जाता है सीन हो जाता है चलो अभी कुछ वहाँ जाके नया एक्सप्लोर करते हैं और कोई आई होप हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए और जहाँ फ्री की शॉप भी हो भूख लग रही है मुझे दिमाग मेरा कम चल रहा है आगे कौन सा चलता है आगे कौन सा चलता है तो
वी आर डन विद द डिनर और सच में एक ही बात कहूंगा, इतना सही खाना। रिग्रेट इस बात का है कि कल हम यहाँ क्यों नहीं आए, कल हम मैकलो चले गए। सॉरी मैकलो लवर्स, बट हाउ भाई सौंफ का पड़ी है तेरे, खाना इतना सही था, इतना मजा आया खाना। चलो भाई तू वैसे भी कट होने वाला है, अगर तो आप धर्मशाला या मैकलोडगंज कभी भी आओ, हाउस ऑफ तिब्बत जरूर ट्राई करना, अमेजिंग फूड, अमेजिंग। गार्लिक नान पकड़ती पता लग गया कि खाना होने वाला है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को हम सो गए थे, बिल्कुल भी होश नहीं थी और आते ही हम बेड पे बस जैसे ही लेटे और सो गए और अब हो चुकी है सुबह और हमारा टाइम आ चुका है वापस जाने का। पहली बार धर्मशाला में अपलोड करने जा रहे हो, यहाँ ट्रेयोंड है, ट्रेयोंड ट्रैक को रास्ते आप ट्रेयोंड जा सकते हो और मोनेस्ट्री है यहाँ पर, मार्केट है यहाँ की जो हमने कैप्चर की थी अपने पिछले ब्लॉग में, बागसुनार वाटरफॉल जो इस वीडियो में हमने कैप्चर किया, उसके बाद आपको अगर थोड़ा और दूर जाना है पालमपुर जा सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, अलॉट ऑफ थिंग्स, चर्च जा सकते हो, बहुत सारी जगह हैं जो हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, कमेंट करना जो भी आपको फेवरेट लगा इस वीडियो में और शेयर ज़रूर करना और सबसे मेन पार्ट सब्सक्राइब, ठीक है भाई? हाँ भाई, रिव्यूज़ भी शेयर कर देना ताकि हम पैसे कमा के नेक्स्ट वीडियो पर जाए, दिखाएँ आपको नई नई जगह, नए टूर बनाए, ठीक है भाई, और पैसे कमाए। ओके बाबा, ओके बाय, चंगा फिर मिलते हैं अगली बार।